सामान ऐसे पड़ा हुआ। इट इज वेरी नाइस। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले कुछ वीक्स काफ़ी बिजी रहे। आई वाज एग्जॉस्टेड, माय रूटीन वाज अप एंड डाउन। घर की कुछ कुछ मेंटेनेंस की चीज़ें थी वो पेंडिंग थी, सब ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा शूट भी खत्म हो गया है और अच्छा खासा रेस्ट भी हो गया है, तो क्यों ना वापस शुरू से शुरू किया जाए। सो या लेट्स फिनिश दीज टास्क एंड रीसेट एवरीथिंग। जब से मैंने घर शिफ्ट किया है, आई गेस इट्स बिन 5 मंथ्स, तब से मैं जिम नहीं गई हूँ। घर पर ही मैं योगा किया करती थी, बट लास्ट 2 मंथ से वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो अभी तो मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से नो एक्सक्यूज, आई एम गोइंग टू गेट बैक इनटू माय रूटीन, फिर चाहे वो घर पर ही स्ट्रेचेस, योगा और बाकी के एक्सरसाइज करना क्यों ना हो। जब अच्छा जिम मिलेगा तब का तब सोचेंगे, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गिव एक्सक्यूजेस टू माई सेल्फ। आई मोस्टली सर्च फॉर योगा वीडियोज़ ऑन YouTube और फिर वही लगा के मैं योगा करती हूँ। दिस वे आई फील मोर मोटिवेटेड, ऐसा लगता है कोई साथ में ही है तो ज़्यादा मज़ा आता है। आई स्टार्टेड विद सम सीटेड योगा स्ट्रेचेस। एंड देन आई डिड 5 sets ऑफ सूर्य नमस्कार। फर्स्ट डे था तो मैंने बहुत सारे योगा आसन्स नहीं किए। ग्रेजुअली विद टाइम एंड स्टेमिना बिल्ड करते करते आई एम गोइंग टू इंक्रीज दी लेवल्स। योगा के बाद मैं मेडिटेट करने के लिए बैठ ही रही थी, तब तक सिलेंडर की डिलीवरी आ गई। तो मुझे भी ना गैस के रेगुलेटर में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी और भैया से भी वो निकल नहीं रहा था। नहीं निकल रहा, ये बटन एक खराब दिया है। ये चल जाएगा ना? हाँ चलेगा, अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है, तो चेंज करना पड़ेगा। फिर लास्ट में भैया ने बोला रिस्क वाली कोई बात नहीं है, बट आप चाहो तो इसे चेंज भी करवा सकते हो। तो मैंने बस अपनी एक्सरसाइज खत्म की ही थी और यहाँ पे मैट बिछा दिया था कि यहाँ पे बैठकर मेडिटेट करूँगी, बट तब तक बेल बज गई एंड फाइनली हमारा सिलेंडर आ गया। कल दिन को खत्म हुआ था, कल ही बुकिंग भी कर ली थी और इस वजह से मैंने अपना लंच और डिनर भी कल स्वाति के घर पर ही किया था। यही सोच रही थी कि कल बुक किया है तो 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे आने के लिए, बिकॉज मुंबई में इससे पहले गैस सिलेंडर कभी हमने लिया ही नहीं, गैस पाइपलाइन नहीं थी, तो ये भी न्यू एक्सपीरियंस था। एंड आई लाइक द सर्विस की कल बुक किया और आज आ भी गया, वरना मुझे ये लग रहा था कि यार गैस कब आएगी, गैस कब आएगी। बट यस, चलो मैं फटाफट से मेडिटेट कर लेती हूँ एंड अपना योगा सेशन खत्म करते हैं। इट्स बिन अ मंथ, आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय मॉर्निंग मेडिटेशन, बट आई एम ग्लैड आई एम फाइनली हियर। सुबह सुबह या तो मैं एफर्मेशंस की वीडियो लगाती हूँ या तो जस्ट 10-15 मिनट्स की गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ। After meditation, I read 2-3 pages of the book. Meditation के बाद I am more aware of my surroundings and इस time पे instant book पढ़ने से deep understanding में help होती है। फिर रूम सेट किया। आज सुबह उठते ही मैंने बेड नहीं बनाया बिकॉज मुझे बेडशीट्स चेंज करनी थी और सुबह सुबह इन समय मुझे एनर्जी नहीं डालनी थी, तो अभी शीट्स चेंज करूँगी और वॉशिंग में डालूंगी। फिर 12 अराउंड रिपेयर का कुछ काम था तो वर्कर्स आए। मेरे बाथरूम में जेट की पाइप टूट गई थी तो वो ठीक करवाई। किचन में शेल्व्स, शू रैक, ड्रेसिंग मिरर, ये सब के लिए ड्रिलिंग होनी थी तो वो सब भी फिक्स करवाया। मेरी फ्लैटमेट का कबर्ड अटक रहा था और स्वाति का कुछ रिपेयर वर्क था तो वो सब भी ठीक करवाया। मेन पर्पज़ इन शेल्स को लगाने का था कि कुछ कलर ऐड हो जाएगा बैकग्राउंड में, व्हेन आई विल पुट सम जार्स और कप्स और मे बी प्लांटर्स, तो वीडियोज़ जो डार्क बनती थी पहले, इसके बाद शायद थोड़ी क्लियर बन पाएगी।
तो वैसे तो मेरा रूम क्लीन ही रहता है, बट अगर आपको मेन गंदगी देखनी है ना, तो आपको वो मेरी कबर्ड में देखी, कि कबर्ड भी नहीं, जो ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है ना, इसमें चीज़ें लिटरली डंप की हुई है। जब से मैंने शिफ्ट किया है ना, तो इतनी सारी चीज़ें मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी ना, तो मैंने सोचा फॉर द टाइम बीइंग ना मैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स में डंप कर लेती हूँ एंड बाद में उसको सॉर्ट करूँगी, बट वो बाद अब भी तक नहीं आया है एंड चीज़ें वहाँ पर लिटरली ऐसे डंप हुई पड़ी हुई, इट फील्स लाइक अ डंप यार्ड। मैं आपको दिखाऊँगी, सिर्फ ये चार रैक्स है आई गेस, उसमें से सिर्फ दो रैक्स ही सॉर्टेड है, जिसमें एक में मेरे जिम क्लोथ्स है और एक में बेडशीट्स वगैरह है, वो थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर फोर आर लिटरली डंप यार्ड्स। तो मैंने सोचा आज उसको भी ऑर्गेनाइज करते हैं एंड अगर ज़्यादा टाइम रहा तो मैं कबर्ड भी करूँगी, बट चलो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ हाउ माई ड्रॉज आर ओवरलोडेड विद रैंडम थिंग्स। सबसे पहले मैंने नीचे से स्टार्ट किया, वेयर आई कीप ऑल माई बैग्स। तो ये बैग मेरी पता नहीं कब से कबर्ड में पड़ी है, और ये मेरी शूट बैग थी और इसमें सामान भी अभी तक शूट का ही है, मैंने बिल्कुल भी अनपैक नहीं किया है। कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैंने निकाल दी है, बट यस, जैसे ये स्टूल था, मॉनसून से तो अम्ब्रेला भी था, और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये बैग मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने मिंत्रा से लिया है एंड इट्स फ्रॉम दी ब्रांड क्लियो। ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं मुझे इस बैग को यूज़ किए, बट आई यूज़ इट ओनली ऑन माई शूट डेज, तो ये अभी तक काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो यस, ये भी मैं अपनी इस जगह पर रख दूँगी जहाँ पर मैंने बैग्स के लिए डेडिकेटेड ड्रॉ रखा है, एक ये ड्रॉ और ये 2 ड्रॉस। इन दोनों में तो मुझे भी नहीं पता है क्या क्या है, लिटरली सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं ये एक एक करके निकालती हूँ और बनाती हूँ जगह कि प्रॉपरली अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए यहाँ पे। इस वाले में मोस्टली मेरे परफ्यूम्स और मेकअप और ये सारी चीज़ें। आई डोंट नो ये कौन से टाइम की ज्वेलरी मेरे पास अभी तक है, मतलब मैं वही सोच रही हूँ कि माई चॉइस ऑफ ज्वेलरीज एट दैट टाइम वॉज वेरी डिफरेंट, मतलब मैं पहनती इतना फिर भी नहीं थी। सी अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ गॉड मुझे कुछ नहीं पहनना है। इस वाले ड्रॉअर के लिए मुझे प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें मोस्टली स्टेशनरी आइटम्स हैं, स्टेशनरी और कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जो मैं इसमें रख सकती हूँ, बिकॉज देयर इज अ लॉक, बट वैसा कुछ जैसा अभी इसमें लग नहीं रहा है, बिकॉज इसमें भी सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई हैं। ऑर्गेनाइजर में बस पड़ा हुआ है, इसमें मैं सारे अपने पेन्स वगैरह रख दूंगी। तो चेस्ट तो सॉर्ट हो गई है, बट उसको साफ करते करते रूम गंदा हो गया है। एक चीज साफ करना चाहते हो तो दूसरी चीज खराब हो जाती है। अब रूम क्लीन कर लेते हैं पहले फटाफट से। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो इतना एस्थेटिकली तो ऑर्गेनाइज नहीं है, इट्स जस्ट जो सारी चीज़ें ऐसी डंप पड़ी हुई थी, जो यूज़लेस चीज़ें थी वो मैंने सारी निकाल दी और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। एस्थेटिक ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, बट येस यहाँ पर मैंने सारे परफ्यूम्स ज्वेलरीज वगैरह रख दिए, अपना हेयर स्ट्रेटनर वगैरह रखा है। तो यहाँ मेरे सारे जिम के कपड़े हैं, ये मैंने पहले से ही रखे थे तो मैंने इनको छेड़ा भी नहीं है। ये वाला सेक्शन अभी भी ऐसा लगता है कि डंप्ड, बट यहाँ पे सारी काम की ही चीजें हैं। सेक्शन है बेडशीट्स वगैरह का, ये भी मैंने इतना छेड़ा नहीं है बिकॉज यहाँ बेडशीट्स अभी पड़े भी नहीं है, कुछ वॉशिंग के लिए डाल दिए, एक बिछा के रखी है, तो अभी मेरे पास बेडशीट्स 2-3 ही हैं एंड यहाँ पे मेरे सारे बैग्स हैं, तो ये मैंने अच्छे से रख दिए। फिर डिनर में मैं पुलाव बनाने का सोच रही थी, फिर स्वाति से पूछा तो उसे आलू के पराठे खाने का मन था, तो हमने सोचा क्यों ना आलू के पराठे ही खाते हैं। सो हियर आई एम मेकिंग आलू का पराठा एट स्वाति'स हाउस और उसने बनाया है टेस्टी सा रायता। नेक्स्ट डे आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो आउट, सस्ती वाली शॉपिंग करनी थी, तो हमने सोचा बैंड्रा लिंकिंग रोड और हिल रोड मार्केट जाते हैं। इसी बीच आई रिसीव माई मीशो पार्सल, मैंने ये कर्टन्स ऑर्डर किए थे। So the length of these curtains are very long. I wanted a 7.5 feet curtain because मेरी window का size उतना ही है, but वो सिर्फ customize पे ही मिल सकता है। Online जो मिलते हैं वो ज़्यादातर 5, 7, 9 feet के curtains होते हैं, तो yes, तो मैंने सोचा 9 feet का curtain ही order करती हूँ, बाद में alter कर लूँगी, तो let's see ये कैसा लगता है।
दिस इज हाउ दीज कर्टन्स लुक. बहुत ही अच्छी लाइट आ रही है रूम में एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड अ वाइट नेट श्योर कर्टन्स बट आई हैड टू बाई दीज ग्रे कर्टन्स बिकॉज एक तो ये रूम डार्कनिंग भी है और मेरे ऑडिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. बट नाउ आई फाइनली गॉट दीज वाइट कर्टन्स एंड द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस. आई गॉट इट फ्रॉम मीशो फॉर 9 feet कर्टन्स. द प्राइज वॉज 420 rupees और सेम ये अमेजोन पर अवेलेबल है. 9 feet कर्टन का प्राइज़ आई गेस 650 to 700 rupees है. तो आई गॉट इट इन अ वेरी गुड डील फ्रॉम मीशो. बस थोड़े से लंबे हैं तो वो मुझे ऑल्टर करने हैं, वो मैं करवा दूंगी. बट अदरवाइज आई एम लाइकिंग दीज कर्टन्स बिकॉज ये मेरे ओवरऑल डेकोर के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं. तो यस, दिस वॉज द लिटिल अपडेट. सो दिस वॉज द फुल लुक. फिर मैं रेडी हुई सो वी वेंट बाई ट्रेन, वरना तो ट्रैफिक में ही फंस जाते हैं. एंड इस टाइम पे तो हमें सीट भी मिल गई थी. फिर हम पहले पहुंचे लिंकिंग रोड मार्केट. मुझे डेली वेयर वाले फ्लैट्स हील्स लेने थे तो वही देख रही थी. क्वालिटी वाइज यहाँ थोड़ी हल्की होती है चीज़ें, बट वेराइटी वाइज आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. बट मैंने लास्ट में ये वाले स्लिपर्स लिए. लेके जाओ भैया भी बोल रहे आज सुबह से ही मौसम क्लाउडी सा था, बट जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो बारिश स्टार्ट हो गई. लिंकिंग रोड पे तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला तो हम हिल रोड मार्केट गए. सबसे पहले हमने पाइनएप्पल जूस पिया, फिर मार्केट एक्सप्लोर करी. बारिश इस स्टॉप पे हमेशा अच्छी अच्छी ड्रेसेस 400 to 500 की रेंज में मिल जाती हैं, तो वो लेने के लिए रुकी. आई लाइक देन बॉट दीज टू ड्रेसेस. फिर मैंने घर के लिए थोड़ी बहुत टी शर्ट्स ली. और इतनी देर से खड़े और कोई बता भी नहीं रहा कि क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्यों इनको स्टेशन नहीं जाना है. अरे मुझे ऐसा लग रहा है ऑटो वाले के सामने बिल्कुल ऐसा खड़े होके पूछा पड़ेगा, दादा क्यों नहीं जा रहे, रीजन बताओ. फिर यहाँ से मलाड की ट्रेन ली और मलाड मार्केट गए. वहाँ से स्वाति को कुछ सामान पिक करना था तो वो किया. थके आ रहे लग रहे हैं. अरे शॉपिंग, इतना सारा सामान लेकर बोल रही है. नेक्स्ट डे 11th October को महानवमी थी और मेरे घर के पास अंबिका माता का मंदिर है, तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं मंदिर गई. I have prasad. फिर घर आकर पूजा की. फिर दिन में मिंत्रा के कुछ पार्सल्स रिसीव हुए. मैंने सोचा आप सभी के साथ इनका मिनी हॉल भी शेयर करूं. मैंने वाइट स्नीकर्स ऑर्डर किए थे बट ओपन बॉक्स वेरिफिकेशन में मुझे ब्लैक रिसीव हुए तो मैंने वो कैंसिल कर दिया. एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्सल ओपन करूंगी तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर की है ये ड्रेस. First, I'm going to open this very pretty strappy midi blue satin material dress from the brand Dress Perry, जो बॉडी पे बहुत ही सुंदर लगती है.
नेक्स्ट वॉज दिस येलो पर्पल लीफ पैटर्न टाई अप नेक ए लाइन मिनी ड्रेस. Next dress was again in yellow color. So I just realized कि मैंने ये dress बिल्कुल इस dress के identical ली है. Just the color and the print are different. Otherwise the design and the look is same and it's from the same brand Dressberry. वो मुझे अभी ऐसा लगा बट स्टिल इट्स लुकिंग नाइस. आई एम लाइकिंग बोथ दीज ड्रेसेस. तो मैं ये दोनों ही रखने वाली हूँ. तो कुछ टॉप्स भी है जो मैंने ऑर्डर किए हैं. दे आर नॉर्मल डे टॉप्स. तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ. ये टॉप भी मुझे अच्छा लग रहा है. थोड़ा डिफरेंट डिजाइनिंग और स्टाइलिंग है बट फुल स्लीव्स हैं. स्पेशली मुंबई में फुल स्लीव्स मुझे लगता है बहुत नेसेसरी है बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप रहती है और टैनिंग तो हो ही जाती है. तो फुल स्लीव्स टॉप आर मस्ट हियर. आई एम लाइकिंग दिस टॉप. नॉर्मल डे टाइम डे वेयर टॉप है. ये टॉप की थोड़ी स्टाइलिंग मुझे समझ नहीं आ रही है. दिस इज सो लॉन्ग. और वैसे मैं यहाँ से ऐसे भी कर सकती हूँ. इतना वाव मुझे नहीं लग रहा है बट स्टिल फॉर अ चेंज ऐसे बाहर जा रहे हैं नॉर्मली कैजुअल वेयर में इट्स स्टिल अ गुड पीस आई गेस. इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है. इट्स अ लॉन्ग टॉप. अगर मैं इसको जीन्स में भी टक इन करती हूँ तो हाफ फ्रिल तो ढक जाएगी बट स्टिल इट्स अ गुड टॉप डे वेयर पहनने के लिए. इट्स अ नाइस फिट. तो कल बांद्रा लेके रोड मार्केट से भी मैंने कुछ कुछ सामान लिया था एंड वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें बहुत चीप रेट में मिलती हैं. तो मैंने सोचा वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें उठा लूँ. आई गॉट दीज टू टीस. बहुत ही अच्छा फिट है इनका एंड आई गॉट इट अराउंड 2 to 250 रुपीज़ ईच. एंड फिर मैंने ये दो टी शर्ट्स ली थी. ये घर पहनने के लिए मैंने टी शर्ट्स ली थी. ये मैंने कल रात को घर आकर के ही वॉशिंग में डाल दी थी. तो तभी मैंने सोचा अभी मैं इसको ट्राई भी करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ. ये टीज़ वगैरह तो मैं नहीं दिखाऊंगी बट येस आई गॉट दीज टू ड्रेसेस जो मुझे लग रहा है कि मुझे लूज होगी बट लेट्स सी इसे पहन के देखते हैं. सो फर्स्ट इज दिस ड्रेस जो मुझे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लूज है. दिस इज द ड्रेस. ये सब पूरी फ्रिल फ्रॉक ड्रेस है. मुझे बहुत ही क्यूट सी लगी. So this is the second dress. I really like this dress. बस ये भी थोड़ी सी यहाँ से loose है तो मुझे ये यहाँ से ऐसे fit करवानी पड़ेगी. But otherwise I love this dress. It's a long flowy dress. फिर शाम को आई गॉट रेडी इन दिस ड्रेस. मैंने साथ में स्टोल भी रख दिया था बिकॉज आई एम गोइंग आउट फॉर अ मूवी एंड थिएटर में मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है. वी वेंट टू वॉच जिगरा एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म. मूवी देखते वक्त हम बहुत रोए. मुझे तो सच में मेरे भाई की याद आ गई थी. ऐसा लगा मानो मैं खुद इस कैरेक्टर के जैसी हूँ. मेरे भाई पे कोई भी आँच आती है ना उसे कोई भी परेशान करता है तो सबसे ज़्यादा खून मेरा खोलता है. सबसे ज़्यादा परेशान मैं होती हूँ. बट येस एनी वे लव द फिल्म एंड देन वी हैड डिनर एंड या दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीक्स अपडेट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज़ डोंट फोरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय टेक केयर.